नमस्कार, पलपल भारत में आपका स्वागत है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ये दावा किया था कि 20 सितंबर से हरियाणा की मंडियों में बाजरे और धान की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन 20 सितंबर आ गई, कोई सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। कृषि मंत्री के दावे हवा हवाई साबित हुए और किसान मंडियों में धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और अपना बाजरा और धान सही समय पर सही मूल्य पर नहीं बेच पा रहे हैं। हजारों क्विंटल बाजरा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी की मंडियों में आया हुआ है, लेकिन खरीदने का कोई इंतजाम नहीं है। हरियाणा सरकार ने एक चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार को कि 25 सितंबर से सरकारी खरीद की अनुमति दी जाए, वो भी नहीं मिली। कहा तो ये जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो इससे लोगों को फायदा होगा, लेकिन कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। पिछली बार भी इसी तरह से मौसम की मार की वजह से मंडियों में पड़ी हुई किसानों की फसल खराब हो गई थी, किसानों ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद खरीद शुरू हुई थी। इस बार भी लगभग वही हालात बनते हुए दिख रहे हैं। क्या सरकार को किसानों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? क्या सरकार किसानों की मदद नहीं करना चाहती है? क्या सरकार किसानों को अपनी फसल के सही दाम मिल जाएं ये नहीं चाहती है? इसलिए जल्दी से जल्दी हरियाणा सरकार को किसानों की सरकारी खरीद का इंतजाम करना चाहिए, मंडियों में व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। कहीं मंडियों में दीवारें टूटी पड़ी हैं, कहीं मंडियों में पानी भरा हुआ है, व्यवस्था चौपट पड़ी हुई है, किसानों की फसल आना शुरू हो गया है और जिसके चलते प्राइवेट व्यापारियों को सस्ते दामों पर किसानों को अपनी बाजरे और धान की फसल बेचनी पड़ रही है। सरकार अगर किसानों का थोड़ा भी हित चाहती है तो फिर तुरंत सरकारी खरीद का इंतजाम करना चाहिए और सरकार को, केंद्र सरकार को भी व्यवस्थित तौर पर यह समझाना चाहिए। जैसे कि बाजरे की खरीद है वो हैफेड को करनी है, लेकिन हैफेड का कहना है कि कृषि विभाग से उनको अभी तक पोर्टल का डाटा ही नहीं मिला है, तो वो खरीद शुरू नहीं कर सकते। तो हरियाणा सरकार क्या कर रही थी? इतने दिनों से पोर्टल क्यों खेल रहे हैं? क्यों अभी तक सरकारी खरीद के लिए या हैफेड की खरीद के लिए पोर्टल का सारा डाटा हैफेड के पास नहीं पहुँचा है? इन सारी चीज़ों का सरकार को ध्यान रख के किसानों की तुरंत मदद करके उनको जल्दी से जल्दी फायदा पहुंचाना चाहिए, सरकारी खरीद का इंतजाम करना चाहिए।